ओम शांति। तो आज 9 अगस्त की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रुकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। क्या समझाते बाबा? ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार, माना शिव बाबा की दरबार। इस भ्रुकुटी में, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में सतगुरु विराजमान है, माना शिव बाबा विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। और आज की मुरली में प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है, मन अकाल पड़ जाता है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं? ये जो प्रकृति है या माया है, ये दोनों ही बहुत तंग करते हैं। लेकिन बाबा साथ में कहते, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो, सत्युग में ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। देखो, ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं जहां सारी प्रकृति भी गुलाम रहती है और माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो ये हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, ये है सतगुरु। शिव बाबा क्या है? सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। बाबा कहते, सतगुरु ही सदगति करते हैं। सत्युग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। श्री बाबा क्या है? सब गुरुओं के गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम रूहू के पास बैठे हो किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। ये है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और ये वर्षा है नई दुनिया अमर लोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए। बाबा कहते, वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है, माना जो विकारी दुनिया है ये रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम, वहां दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं।
गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है, ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं, वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। मना पतित पावन सिर्फ एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। आगे बाबा कहते, तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पावन दुनिया में गुरु तो ढेर हैं। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अब बाप ने समझाया है कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरता रहता है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है, ये कोई को पता नहीं। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूं, अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे, हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप तरस करो। तो बाबा कहते, अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या, ये जानते ही नहीं, तो रहम दिल कौन है? कहते भी हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं, अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, बाबा कहते मैं हूं विचित्र, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता, मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे, मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुराने थे पुराने जुत्ती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा में ही आकर मैं प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं, ये तो पुराना शरीर है, अडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझाते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। क्या कहते बाबा, क्या समझाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के लिए ये ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं, मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो, अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं, उनको इविल कहा जाता है, इसलिए टॉक नो इविल सी नो इविल। इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ, अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापिस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परेरी हैं, ना ये पुराने शरीर होंगे ना ये दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कलप कलप बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो, बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, तो बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का,
नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पुरुषार्थ पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवानुवाच, हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूं। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो। वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। और यहां तो बाबा कहते, यहां तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कोई पढ़ा सकता है ऐसे? बाबा कहते, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया क्या करती है, अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है, उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे। कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। क्या वैराग्य आता है? कि बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें। थोड़े समय के लिए आता है ना वैराग्य, कि हम फिर पाप क्यों करें। पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे। ऐसे ख्यालात आते हैं, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। और बाबा कहते, यहां तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहां तो तुम टेम्परेरी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। तो बाप कहते हैं, बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहज ते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं, सहज है परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुल बका वली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहां सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। कितनी अच्छी बात, यहां माया के गुलाम हैं और स्वर्ग में बाबा कहते तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है। कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो बाबा कहते कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते हैं तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं, अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूं। तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूचा होगी नहीं, माना प्रकृति माया गुलाम बन जाएंगे, जरा भी चूचा होगी नहीं। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? सो क्यों नहीं करेगी। इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है। कितना तंग करती है, कितने को हराती है। कईयों को एक कदम खा जाती है, हप कर लेती है।
भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है, उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन माना दलदल भी कहते हैं। तो बाबा कहते कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते हैं, जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भूं भूं कर क्या से क्या बना सकते हो, एकदम स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भूं भूं कर बदलते थोड़े ही हैं, बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, और कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो ये मिसाल भी बाबा कहते अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, ये एक ही है जो आप समान बनाते हैं। और दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं, बाबा कहते सत्युग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले हैं। क्या साक्षात्कार होता है? अब शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है, ये भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। तो अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा कहते भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति, उनसे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापिस घर जाना। तो बाबा कहते घर में कोई जाता नहीं, बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं, पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना, बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। और बाबा कहते तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं, तो ये एकदम पक्का कर लो, हम आत्मा को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं। बाबा कहते संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा अविनाशी है। आगे बाबा कहते ये ब्रह्मा की भ्रुक्ति है सतगुरु का दरबार, ये इस आत्मा का भी दरबार है, ब्रह्मा बाबा का भी ये भ्रुक्ति दरबार है, फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सत्युग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए, टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का रिकॉर्ड नहीं, बाबा का देखा हुआ है सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावने कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं,
कई तो उस पर पांव रखकर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहां पानी में डाल हरी बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वाचान सिख वा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। और दूसरी बात, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। और आज का वरदान है, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। क्या वरदान है? एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाबा कहते, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। तो बाबा क्या समझा रहे हैं, जितना हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति आती जाएगी, उतना ही अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से, अधिकारी आत्मा की स्मृति से अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकते, माना अपने कमजोर संस्कारों को सहज ही परिवर्तन कर सकते हैं। और आज का स्लोगन है, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए क्या है? महाशत्रु है। तो ये आज के 9 अगस्त के बाबा के महावाक्य। ओम शांति, ओम शांति।